né, gente? Que é? दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 साल की निशा को गांव के ही रहने वाले रंजीत पाले से प्यार हो गया। एक दिन रात के अंधेरे में रंजीत पाले निशा का गेम बजा रहा था, तभी निशा की मां मधुली देवी ने इन दोनों को देख लिया। बेटी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर मधुली देवी ने उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और ये बात अपने पति को बताने की धमकी देने लगी। निशा और उसका प्रेमी रंजीत जानते थे कि निशा के बाप का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो पिछवाड़े में पीतल भरने में देर नहीं लगाता है, इसीलिए ये दोनों बुरी तरह से डर गए। निशा और रंजीत मधुली देवी के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। उन दोनों को अब अपनी मौत बेहद करीब नजर आ रही थी। रंजीत मधुली देवी से बोला, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, आज के बाद आपकी बेटी से नहीं मिलूंगा, आप मुझे सिर्फ एक बार माफ कर दो। मधुली देवी ने कहा, मैं तुझे माफ तो कर दूंगी, लेकिन तुझे अभी के अभी मेरा भी गेम बजाना होगा। दोस्तों कहते हैं मरता क्या नहीं करता, अपनी जान बचाने के लिए रंजीत पाले को ना चाहते हुए भी अपनी प्रेमिका के सामने उसकी माँ का गेम बजाना पड़ा। मधुली देवी का दोस्तों उत्तर प्रदेश के बेस्ट जर्नलिस्ट मैं नहीं देख रहा भाई इसको, मैं तभी इंस्टाग्राम नहीं चलाता मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास ना देख वरुण, सच में मेरे पास ऐसा